थैंक यू माननीय उपाध्यक्ष। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमारे क्षेत्र के बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को शून्यकाल में सदन में रखने का अवसर प्रदान किया। माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बहुत ही निंदनीय, घृणित और शर्मसार कर देने वाली घटना हमारे संसदीय क्षेत्र के बलरामपुर में प्रकाश में आई है। भारत सरकार की योजना के तहत राजकीय आश्रम पद्धत विद्यालय संचालित हैं, जिसमें गरीब बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। वहां पर वर्षों से बालिकाओं के भोजन में नशीला पदार्थ खिला करके उनके शोषण का सिलसिला चल रहा था। घटना 10-11 अप्रैल की रात की है। नशे की डोज शायद ज्यादा हो गई, कुछ बच्चियां बेहोश हो गई। रात में वहां पर अराजक तत्व आते हैं, एक दर्जन अराजक तत्व देखे गए। कुछ वयस्क बालिकाओं ने हंगामा शुरू कर दिया और भाग चीख पुकार करके वो लोग गेट की तरफ भागी, बजाय उनकी कोई सहायता करने के, उनकी बात सुनने के, वो गेट बंद कर दिया गया, उनको बाहर जाने से रोक दिया गया। और बच्चियों के हंगामे को सुन करके आसपास के सैकड़ों की संख्या में जब ग्रामीण एकत्रित हो गए, ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, मीडिया को सूचना दी, तब जा करके जो पुलिस बाद में पहुंची, पहले मीडिया पहुंची। और बालिकाएं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और उनकी मांग थी कि कोई महिला अधिकारी आए, महिला अधिकारी के सामने हम अपनी बात रखेंगे। यहाँ पढ़ाई के को छोड़ करके बहुत कुछ होता है, हम अपनी व्यथा कर रखना चाहते हैं, लेकिन कोई महिला अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए नहीं आई। माननीय उपाध्यक्ष जी, उसकी जो उसकी सीडी भी मीडिया के लोगों ने बनाई है, और ये पूरी अखबार की कतरने भरी पड़ी हुई है, इसको हमने पटल पर उपलब्ध भी कराया है। बहुत संवेदनशील मुद्दा है उपाध्यक्ष जी। इस घटना के 4 दिन पहले वहाँ के चौकीदार की पत्नी की लाश वहाँ के कमरे के छत से लटकती हुई संदिग्ध अवस्था में पाई गई थी। उसको आत्महत्या का स्वरूप देकर के लीपापोती कर दी गई थी। लेकिन जब इस घटना के दूसरे दिन जो है उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तब पता चला कि जो है इसकी गला दबा करके हत्या की गई थी। ये घटना भी इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो एकमात्र महिला थी वहां पर, बाकी सब वहां पर पुरुष कर्मचारी तैनात हैं। वो महिला इनके दुष्कृत्यों का विरोध करती थी, इसलिए उसको मौत के घाट उतार दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष जी, इतनी बड़ी, इतनी संवेदनशील।